हाय गाइस, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम प्रो सेक्शन हाउ फ्रीज द प्रेस के कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में लगभग 40 ऑब्जेक्टिव हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। चलो गाइस, चलते हैं पहला ऑब्जेक्टिव की तरफ। पहला ऑब्जेक्टिव है हाउ फ्री इज द प्रेस हैज बीन रिटन बाय, यानी किसके द्वारा लिखा गया। तो ये लिखा गया है द्रोथरी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है द्रोथी एल से रॉज बॉर्न, इसका जन्म कब हुआ था। 1893, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है द्रोथी एल सेयर डायरी, यानी द्रोथी एल सेयर का डेथ कब हुआ था। तो 1957, यानी कि 1957 में हुआ था। 1957, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फ्री इज द प्रेस इज, यानी ये हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है। तो ये एक ऐसे है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, फाइव नंबर क्वेश्चन है द्रोथी एल सेयर वॉज एजुकेटेड है, यानी द्रोथी एल सेयर अपना एजुकेटेड हुए कहाँ से शिक्षित किए गए थे। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, ठीक है, यानी इन डेमोक्रेसी में देखते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस ये कैसा है। तो ये नेसेसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन है द स्टेट ऑफ बींग विदाउट मनी इज कॉल्ड, ये बैंक्रप्सी कहलाता है। मैंने ऐसा स्टेट जहाँ पे जो होता है विदाउट मनी होता है, द स्टेट ऑफ बींग विदाउट मनी इज कॉल्ड बैंक्रप्सी, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट है फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वार, ठीक है, यहाँ पे वार के समय जो है फ्रीडम प्रेस की आज़ादी जो होता है उसको रोक लग जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ न्यूज पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द प्रोपरेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन हो जाएगा द ऑथर हैज गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिस प्रेजेंटेशन दे आर सिक्स, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिक्स। क्वेश्चन इलेवन है ए मैगजीन ऑफ न्यूज पेपर पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, ये पेरियोडिकल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है द स्टेट इज द, ये स्टेट क्या होता है सर्वेंट ऑफ द पीपल, ठीक है, ये सर्वेंट ऑफ द पीपल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन है द हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक यूनियन इज, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अनऑफिशियली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश न्यूज पेपर इन सेंट्रल, इन सेंट्रल लंदन हैव देयर ऑफिसर्स इन, ये ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लैट स्ट्रीट। ठीक है, फ्लैट स्ट्रीट हो जाएगा ये चीज। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, इसके द्वारा ये होता है, ये टू चीफ फैक्टर्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज पेपर डेयर्स सपोर्ट्स ए पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडवर्टाइजर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वीक सर्कुलेशन स्पेल्स बैंक्रप्सी इफ द पेपर हैज टू डिपेंड्स ऑन, इसका हो जाएगा द सेल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे द न्यूज इन द न्यूज पेपर इज जनरली, ये क्या हो जाएगा समवाट चेंज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है 19 है डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर आर प्रेजेंट प्लीज्ड विद प्रेजेंट अफेयर्स, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिटेल नहीं करें चूंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, चूंकि बहुत ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन द प्रेस इंजॉयज द हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है द्रोथी एल सेयर्स वॉज द फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट फ्रॉम, ये कहाँ से हुए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द क्रिएशन ऑफ द्रोथी एल सेयर्स, ये होता है अननेचुरल डेथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा अननेचुरल डेथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हाउ मैनी चीफ फैक्टर्स आर देयर व्हिच कंट्रोल द एडिटोरियल पॉलिसी, इसका होता है टू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू। 24 नंबर क्वेश्चन द चीफ फैक्टर्स डेट कंट्रोल द एडिटोरियल पॉलिसी आर
एडवर्टाइजर्स डॉट डॉट, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑनर, ठीक है। नेक्स्ट 25 है, डॉट डॉट इज द स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ रेस इंटरव्यूअर्स, इसके बगैर गैम्बलिंग हो जाए, ठीक है, गैम्बलिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर है, वेयर इज बैंकिंगम प्लेस, ये कहाँ पे है, ये होता है ऑप्शन नंबर ए यानी इंग्लैंड, ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ डेली मेल, लंदन, इसके संस्थापक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड नॉर्थ क्लिप्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, द सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द स्टेट इज डॉट डॉट ऑफ द पीपल, यानी सर्वेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है, द प्रेस इज नॉट डॉट डॉट एवरीवेयर, यानी फ्री है, फ्री नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, द पॉलिसी ऑफ सुप्रेशन ऑफ स्पीच कम्युनिकेशन और अदर इंफॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका क्या, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेंसरशिप। क्वेश्चन 21 है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज एन अब्सोल्यूट डिक्टेटर, ये हो जाएगा सेसेरिज, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इफ देर इज एनी थिंग दैट द राइटर डिटेक्ट इज, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गार्डनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ मिस प्रेजेंटेशन आर देर कंडक्टेड बाई द राइटर, इसका ऑप्शन हो जाएगा सिक्स यानी डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज क्यू मेंशन इन द चैप्टर्स, ये चैप्टर में क्यू क्या, तो ये होता है पेन नेम ऑफ सर आर्थर क्विलर कोच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, वंस द प्रेस रिपोर्टर दैट एल सेयर्स हैड डिलीवर्ड 20,000 इन द स्पेस ऑफ एन आवर एंड अ क्वार्टर बट एक्चुअली ही हैड डिलीवर्ड डॉट डॉट वर्ड्स, यानी 8,000, ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्वेश्चन 36 है, इंटरनेशनल स्प्रेडिंग और स्टोरीज ऑफ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इज कॉल्ड, ये हो जाएगा मिराकल मॉन्गरिंग। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगर आप लोग पीडीएफ फाइल चाहिए तो इस वीडियो में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, तो वहां से आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।